back to my channel. मैं टीशा हूँ, hope you all are doing great. So यह caption देखकर आप लोगों को पता चले गया होगा vlog किस चीज का होने वाला है, right? It's छठ पूजा. दिवाली खत्म हो गई, दुर्गा पूजा खत्म हो गया, सो अब आया है छठ, जिसे बिहार के में तो इसे महापर्व भी कहते हैं. छठ पूजा तो महापर्व के नाम से काफी प्रख्यात है, मीन्स काफी ज्यादा इसको बहुत मानते हैं इस पर्व को सभी. एंड द मेन पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे हर घर में होता ही होता है, मीन्स जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है होता ही होता है, मीन्स हर घर में कोई ना कोई करता ही है, इसके कारण ये काफी ज्यादा और अच्छा प्रचलित है. बाकी स्टेट्स में होते हैं बट बहुत कम होते हैं. बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा भी है जहाँ पे कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है छठ पूजा होता क्या है. सो मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए जा रहे थे कि छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है एंड छठ पूजा होता क्या है, मीन्स कैसे कैसे किए जाते हैं. सो गाइज पूरे वीडियो देखो, बीच में कट मत करो, लास्ट तक देखो सो दैट आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा. एंड द मेन पॉइंट इज दैट कि आप बिहार के रिचुअल्स को जान पाओगे मेरे वीडियो के माध्यम से. एंड प्लीज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. दोस्तों से शेयर कीजिए, रिश्तेदारों दोस्तों सबके साथ शेयर कीजिए. ये हमारा गेहूं जिसको अभी सूख रहा है धूप में, और ये सूखने के बाद इसकी बनेगी रोटी, गेहूं की रोटी. सेकेंड डे इसको रोटी बनता है जिसे हम लोग सबको ग्रहण करते हैं, खरना का प्रसाद जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कल. और ये सूप रखा हुआ है, ये टोकरी रखा हुआ है, ये घाट पे जाता है, और ये है धूप जिसमें सूख रहा है हमारा गेहूं. इस बार इस पैंडमिक कोरोना के कारण हम लोग कहीं नहीं जा पा रहे, मीन्स घाट पे भी नहीं जा पा रहे, घर पे रह रहे. तंदुरुस्त रहो, घर पे रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, इसलिए पैंडमिक के कारण कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पे ही पूजा हो रहा है. नहीं तो ऐसे हम लोग घाट पे जाते थे, और घाट पे जाने के बाद तो उसका मजा और दुगना चौगुना हो जाता है, तो काफी अच्छा लगता है. तो इस बार घर पे ही होगा, तो चलिए हर बार घाट का मजा तो उठाते ही हम, इस बार हम आपको घर का भी मजा उठाते हैं और फिर बताते कैसा लग रहा है. सो यार वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. एंड या मैं पिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. एंड अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज आप जाके मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहां सुपर डुपर एक्टिव रहने वाली हूँ. सो प्लीज आप वहां पे मुझे फॉलो कीजिए. आज देखिए कद्दू भात की तैयारी हो रही है, जिसको नहाए खाए भी बोलते है. मेरे यहाँ मेरी मौसी कर रही है. मौसी क्या क्या बनता है आज? आज बनता है छठी मैया के नाम से कद्दू का दाल, चावल, सब्जी, पकौड़ा. ये छठी मैया को भोग लगता है. आज पहला प्रसाद छठ पूजा का होता है. अच्छा, ये फास्ट डे होता है ना छठ पूजा का? तो अभी तक क्या क्या बना है मौसी? अभी दाल बन चुका, कद्दू का सब्जी बन चुका, चावल बन चुका, सब्जी है और पकौड़ा छनाना है. अभी ये तेल डाली है मौसी, अब इसमें पकौड़ा बनेगा. ये सारे सामान अभी तक तैयार हो चुका है बनने के लिए. फाइनली मौसी शुरू कर दिए खाना खाना, देख सकती है प्रसाद. और मौसी ने पहला निवाला खाया है, पहला कोर. ये रहा खाना, टेस्टी टेस्टी. ये खाना खाने के लिए मेरा एक साल इंतजार करना पड़ता है ये खाना खाने के लिए. कुछ भी होता है, कोई भी फेस्टिवल या नॉर्मल डेज में भी सबसे पहले हम लोग अपने बाबा को भोग लगाते हैं. ये रहे हमारे साईं बाबा, इनको भोग लगाते हैं, तो उनको भोग लगा दिए हम. उसके बाद हम लोग घर के पूरे फैमिली, भाई बहन, रिश्तेदार, फ्रेंड सब खाते. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. सो या टुडे इज द सेकेंड डे ऑफ छठ पूजा. सेकेंड डे है छठ पूजा का, अभी सुबह हो रहा है एंड हम लोग सब कोई उठ गए. मैं अभी कुछ दिन के लिए मौसी के यहाँ आई हूँ और यहीं पे भी कुछ दिन रहूँगी, और उसके बाद छठ पूजा खत्म हो जाने के बाद मैं अपने घर जाऊँगी वापस. सो या आप लोग भी बताओ कैसे कैसे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो अपना छठ पूजा. एंड आज है खरना सेकेंड डे, और आज कैसे कैसे होता है, क्या होता है, मैं आप लोगों को सब बताऊंगी. आज आकर मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ, मीन्स थोड़ा तबीयत ठीक लग रहा है मेरा, तो चेहरा ऐसा उतर सा गया है पूरा. एंड यार मैंने कुछ भी मेकअप कुछ भी नहीं किया, नॉट इवन अ लिपस्टिक, मैंने कुछ भी नहीं लगाया है. तो यार आप लोग देख सकते हैं. एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक. फाइनली आज खरना है और शाम हो गया है, हम सब रेडी हो गए और मौसी खरना का प्रसाद खा भी रही है. तो चलिए मौसी के पास चलते हैं और देखते हैं. आ
हल्दी चढ़ता है छठ पूजा में, तो हमारे घर में ही हल्दी का पेड़ हुआ है। तो ये देखिए मेरी मम्मी तोड़ रही है। मम्मी 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 तोड़ रही है और यहाँ डेकोरेट कर रहा है मेरा भाई, छोटा भाई, क्योंकि आज घर पे ही होगा। और ये रहा हमारा पुल, मम्मी तोड़ के लाई है हल्दी का पेड़, हल्दी का पेड़। और हम जा रही है मम्मी, पूजा हो रहा है तो फिर चलिए चलते हैं छत पे और देखते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ का घाट और कैसे कैसे डेकोरेट हुआ और कैसा कैसा रिचुअल्स है। चलिए देखते हैं, हम चल रहे हैं छत। बताइए, हम पहुंच चुके हैं छत पे। मौसी हाय, कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बस इस बार घर में भी मैं सोची थी उतना मजा नहीं आएगा, मीन्स उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट यहाँ तो चौगुना और दोगुना हो गया। तो हम जा रहे हैं खाने के लिए, देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। लोग सब खा रहे हैं, समोसा पार्टी हो रहा है यहाँ पे। मैं दिखाती हूँ, ये रहे मौसा जी मास्क पहन के खा रहे हैं। और यहाँ है अप्पू, हेलो दीदी, हेलो, और मौसा जी, ये मेरे दूसरे मौसा जी, हाय। ये लोग सब खाना खा रहे हैं, हाँ इनको आप देखे ही होंगे पहले, मे बी मे बी। हेलो, हम लोग अभी समोसा खा रहे हैं, बहुत भूख लगा। गाइस ये टोटली ये फेस्टिवल 4 डेज का होता है, जिसमें से 2 दिन तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है 2 दिन क्या होता है और कैसे होता है, एंड 2 डेज मतलब लास्ट 2 डेज जो बचते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग ढलते किरण के साथ उगते किरण की पूजा करते हैं। दैट मीन्स जब शाम में मैंने जो पहला अर्घ बोलते हैं, जो शाम में हम लोग देते हैं पहला अर्घ, और जो सुबह देते हैं वो दूसरा अर्घ होता है। तो आप वीडियो देखते जाइए, आपको और भी क्लियर होते जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डूबते सूरज के साथ उगते सूरज की पूजा करते हैं, ये मतलब हमारे आस्था को बहुत ज्यादा दिखाती है, इसे समझ में आता है। तो ये आप वीडियो को देखते रहिए, आपको और भी क्लियर समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। राइट, छठ पूजा
चौथा दिन है छठ पूजा का और सब प्रिपेयर हो गया है। एंड मैंने आज कुछ भी ज्यादा मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरा तबियत भी ठीक नहीं लग रहा था नॉर्मली। दैट्स इट्स ऑल फॉर माय आउटफिट। सो गाइस चलते हैं छत पे एंड देखते हैं कैसे पूजा हो रहा है क्या हो रहा है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हम छत तो हम जा रहे हैं छत। हाय बोलो रोहित। हाँ मैं बोल दूँ बेटा। हाय बोल दूँ। हाय हमारा सारा फेस्टिवल भी खत्म हो जाता है हमारे बिहार में। मीन्स छठ पूजा खत्म हो गया तो मीन्स सारा फेस्टिवल्स खत्म हो जाता है। अब इस मंथ नवंबर के साथ हमारा ये फेस्टिवल भी खत्म हो गया पूरा। एंड या अब देखिए क्या करते हैं कैसे करते हैं आगे क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं चार दिन जैसा पूरा इतना ज्यादा टायर्ड हुई हूँ तो अब जाके थोड़ा आराम करूंगी। तो या गाइस मुझे बात भी नहीं कर पा रही हूँ बहुत नींद आ रहा है। सो गाइस मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। जाऊंगी अभी कुछ खाऊंगी पीऊंगी फिर एंड करूंगी इस वीडियो को। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।